एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक अमरोहा में स्थित देहरा गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी जिला मुख्यालय से 11 किलोमीटर है। वर्तमान में गांव के प्रधान असलम है। लगभग 3500 जनसंख्या व 1500 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण गांव में काफी मूलभूत सुविधाओं की कमी देखने को मिल रही है। जैसे गांव में 40 राशन कार्ड धारक राशन लेने से वंचित है। साथ ही गांव में 20 विधवा पेंशन, 30 वृद्धा पेंशन व 5 विकलांग पेंशन लाभार्थी पेंशन वंचित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 95 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बात अगर विकास कार्यों की करें तो गांव में 35 हैंडपंप, विद्युत पोल व विद्युत ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं। वर्तमान ग्राम प्रधान की देखरेख में गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा सीसी रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 160 इज्जत घर का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में खडंजा सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 200 इज्जत घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान देहरा ब्लॉक अमरोहा। हमारे यहाँ बड़ी सारी समस्याएं चल रही हैं, बहुत ही दिक्कत है। कई रास्ते हमें बनवाने थे, उन पर काम नहीं करा पा रहे हम। विधवा पेंशन के लिए बहुत लोग, बहुत औरतें हमारे यहाँ ऐसी हैं जिनको पेंशन होनी चाहिए, उनका काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। और कई वृद्ध ऐसे आते हैं हमारे पास जिनके लिए पेंशन की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ लोग ये करके नहीं दे रहे। पूरा स्टाफ बिल्कुल निष्क्रिय हुआ पड़ा है। और रास्तों का तो हाल जैसा है वैसा है ही। हम चाहते थे कि ये काम हो जाते, मगर नहीं हो पाए आज तक। बस हमारी डिमांड यही है कि ये काम हमारे हो जावे और हमें इनके लिए पैसा मिले तो ये काम हो।